आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। कांग्रेस महासचिव ने चित्रकूट में 5 किलोमीटर की कादम गिरी पर्वत की नंगे पैर पर मौन रखकर परिक्रमा लगाई, कामतानाथ भगवान की आरती की, राम घाट पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ संवाद को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने महिलाओं से उत्तर प्रदेश को बदहाली से निकालने के लिए संघर्ष में आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने एक कविता पढ़ते हुए कहा, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंदा ना आएंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को अपनी हालत बदलने के लिए खुद संघर्ष करना होगा, कांग्रेस पार्टी हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा कि अगले चुनाव में वे आंख मूंद कर महिलाओं को वोट दें। आगामी चुनाव की महिलाओं को 40% टिकट देने सहित तमाम प्रतिज्ञाओं को हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार बनने पर पुलिस में 1/4 महिलाओं को भर्ती करने, महिलाओं की शिकायत ना सुनने वाले अधिकारियों को 10 दिन में सस्पेंड करने के अलावा एक विशेष आयोग के गठन के ऐलान पर विचार चल रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कभी रानी लक्ष्मीबाई ने देश की आज़ादी के लिए लड़ते हुए कुर्बानी दी थी। आज की महिलाएं खेतों से लेकर फैक्ट्री तक काम करती हैं, स्कूलों और अस्पतालों में मेहनत करती हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना हुनर दिखा रही हैं, लेकिन उन पर अत्याचार होता है। गरीब महिलाएं नल से पानी पीने के लिए संघर्ष करती हैं और किसान महिलाएं अपनी फसल के दाम और बीज खाद से होने वाली परेशानियों के बीच संघर्ष के बीच घर को संभालती है। आगे की देश दुनिया और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल।